बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायक में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतना ज़बरदस्त, शानदार और खूबसूरत ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ कि जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो सब प्लेटें चाट जाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि प्लीज़ आप रोज़ यही ब्रेकफास्ट बनाएं। बनाना बहुत ही आसान है, दो तीन स्टेप्स हैं जिनको आपने ध्यान से फॉलो करना और ये रेसिपी तैयार है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप एक खूबसूरत सा बॉल लेंगे और इस रेसिपी के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, जस्ट दो से तीन चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। तीन यहाँ पे हमने अंडे लेने हैं और अहम बात यह कि आपने इसको अच्छे से फेंटना है। इस रेसिपी की खूबसूरती के लिए, इस रेसिपी के टेस्ट के लिए ये बहुत ही अहम है। चलें जी, ये देखें, जब ये अच्छे से फेंटा जाएगा तो इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी एक प्लेट लेंगे और उसमें इसको पोर कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें रेसिपी बनाने में आसानी होगी। तो बड़ी सी एक हम प्लेट लेंगे, थोड़ी सी जिसमें गहराई भी हो। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेंगे सैंडविच ब्रेड का एक पीस, ये देखें आप, सैंडविच वाला, और इसमें हम इसको डिप कर देंगे। ये देखें, बहुत ईजी काम है। और दोनों साइड से आपने इसको इस तरह से पलट लेना है ताकि एग दोनों साइड पे लग जाए। अब इस रेसिपी में लोग एक गलती करते हैं हमेशा, ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कौन सी है, ध्यान से देखिएगा। चलें जी, पैन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा यहाँ हाफ टी स्पून या वन टी स्पून हम मक्खन का लेंगे। आप घी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और नॉर्मल से फ्लेम के ऊपर इस ब्रेड को, जिसमें अंडा लगा हुआ है, हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे, टोस्ट करेंगे। यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि फ़ौरन से तेज़ फ्लेम के ऊपर इसको पलट देते हैं और ये अंदर से कच्चा रह जाता है, अंडा गीला गीला रह जाता है, और फिर वो एक तो अच्छा नहीं लगता, ऊपर से स्मेल भी आती है। तो आपने नॉर्मल से फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से इसको दोनों साइड से पकाना है। इससे क्या होगा, अंडा अंदर तक पक जाएगा और टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप था रेसिपी का। अगला स्टेप बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जो इस रेसिपी की जान है। इसको कर देते हैं साइड पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी के अंदर थोड़ा सा मक्खन हम और ऐड करेंगे, ये लें जी, या ऑयल जो भी हो, और उसमें एक चम्मच हम चीनी का डाल देंगे। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ी सा मिक्स करना है। मिक्सिंग के दौरान चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही शानदार यहाँ पे कैरेमल बन जाएगा, बिल्कुल हनी की तरह, शहद की तरह। ये देखिए आप, जब ये पतला होना शुरू हो तो आपने वही ब्रेड जो हमने पकाई थी अंडे के साथ इसके ऊपर रख देना है। अब ये जो कैरेमल है ना, ये पतला हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा कि आराम से दोनों साइड्स के ऊपर ये लग जाएगा। ये देखिए आप, ये देखिए माशाल्लाह से। और इसको अभी मैं पलट के दिखाता हूँ माशाल्लाह से, दूसरी साइड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप, ये दो तीन काम हुए। एक तो खूबसूरती बहुत आ गई, दूसरी बात कि चीनी की वजह से ये जो कैरेमल बन गया मक्खन की वजह से, वो बहुत शानदार टेस्ट फ्लेवर देगा। और सबसे ख़ास बात, यहाँ पे आप लुक देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। क्रिस्पी करके उतार लेंगे, ये ले जी, करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको साइड पे करना है और बाकी जो ब्रेड्स हमने पहले टोस्ट की थी, रोस्ट की थी, यहाँ पे थोड़ी सी चीनी और डालेंगे, थोड़ा सा मक्खन और डालेंगे और इसी कैरेमल में इसको मिक्स कर देंगे। देखिएगा बहुत ही शानदार फ्लेम आपने बस नॉर्मल रखना है, ठीक है, जले नहीं है। तो इस साइड से भी दूसरी को भी पका लेते हैं इस तरह से, और ये पतला होता जाएगा कैरेमल, मतलब कि ये बहुत सारी ब्रेड्स के ऊपर इजीली लग जाएगा। ये लें जी, चलें जी, अब इन सबको ब्रेड्स को बना के फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं इनकी लुक कैसी आती है प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे कानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जस्ट हमने एक चीनी यूज़ की है, एक अंडा यूज़ किया है, तीसरी ब्रेड है वो तो होनी थी। देखिए कितनी शानदार, कितनी क्रिस्पी, कितनी खूबसूरत रेसिपी हमारी तैयार है। इसी तरह की ब्रेकफास्ट रेसिपीज के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज के लिए, 10 मिनट रेसिपीज के लिए, पुलाव रेसिपी के लिए, बिरयानी रेसिपी के लिए, क्विक एंड इजी रेसिपी के लिए, मतलब के पाकिस्तान की हर तरह की रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।